आज की सबसे बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। कोलकाता की लेडी डॉक्टर के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसे संकेत मिले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के प्राइवेट पार्ट में करीब 151 ग्राम सीमेंट मिला है। अब सिर्फ एक पुरुष का सीमेंट तो इतना नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि कुछ और लोगों ने भी मिलकर महिला का रेप किया है और उसके बाद हत्या की गई है। बता दें, इस मामले में पहले इसे मात्र आत्महत्या बताया गया था, फिर मर्डर, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। दरअसल कोलकाता की एक लेडी डॉक्टर की मौत के मामले में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले इसे आत्महत्या का मामला बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई जानकारी ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये संकेत मिल रहे हैं कि इस लेडी डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। डॉक्टर की माने तो पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स में करीब 151 ग्राम सीमेंट पाया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब ये दावा किया जा रहा है कि इतना सीमेंट एक अकेले पुरुष का तो नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ है कि इस घिनौने कृत्य में कई लोग शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि पीड़िता के शरीर पर जो चोटें पाई गई हैं, वो भी इस बात का संकेत देती हैं कि इसे एक व्यक्ति से अंजाम देना संभव नहीं था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में दे दी गई है। सीबीआई की स्पेशल टीम ने कोलकाता पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, डॉक्टर के शरीर पर कई गंभीर चोटें पाई गई और प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोटों के कई निशान मिले हैं, जिससे ये साफ हो गया कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या और रेप का मामला है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को गैंग रेप का रूप दे दिया है। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लाइव एबी न्यूज 24 पर हम आपको इस मामले से जुड़े हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए लाइव एबी न्यूज 24, और हम जल्दी लौटेंगे एक बड़ी खबर के साथ।